हेलो एवरीवन, सो लाया हूँ मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट ऐसी क्लास जो सेंटेंसेस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड है। और ये क्लास आपके किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली है। सपोज आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, जैसे SSC, CGL, CPO, TET, CTET, सुपर टेट, तो मेरे क्वेश्चंस इंग्लिश से रिलेटेड जो क्लासेज हैं वो बहुत अच्छी क्लासेज हैं। और मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कंसेप्ट दूंगा आपको जो आपके एग्जाम में आते हैं और आपको कन्फ्यूज करते हैं, तो वो ही कंसेप्ट आपको सीखने और एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो मेरे साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें, दोस्तों में भी शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, मैं जल्दी से जल्दी यूपी टेट की क्लास को लेकर के आने वाला हूँ जिसमें मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल को ज्वाइन करें। पहला सेंटेंस है अजफ का, देखिए जैसे कि मैं बात कर रहा था प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर के टेंसेस पे, इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है, तो उनको मैंने जैसे पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है, तो मैं यहाँ पर आज बताऊँगा आपको कि पास्ट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है और कॉन्टीन्यूअस में क्या, परफेक्ट में क्या, मिसलेनियस सेंटेंसेज हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे। तो पहला क्वेश्चन है देखिए आपका आज, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, He has scored a century. He has scored a century before a week. राइट तो यहाँ पर ये सेंटेंस है। तो देखो इस सेंटेंस से है ना, हमने ये पता लगाया, हमने ये जानकारी निकाली कि ये वाला सेंटेंस जो है, ही हैज स्कोर्ड ए सेंचुरी बिफोर ए वीक को हमें क्या पता है, क्या करना है, क्या ये सेंटेंस हमारा ठीक है या नहीं है। तो मैंने कहा जी सेंटेंस आपका ठीक नहीं है। तो क्यों नहीं है, ठीक नहीं है तो फिर क्यों नहीं है? सबसे पहली बात यह है, देखो बिफोर ए वीक का मतलब पहले, एक हफ्ता पहले, ही हैज स्कोर्ड ए सेंचुरी, उसने एक सेंचुरी बनाई थी। तो यहाँ पर ये देखिएगा कि मतलब यहाँ पर ना मतलब बिफोर आ रहा है, तो बिफोर जो है ना वो परफेक्ट में आता है, और परफेक्ट का मतलब तो सेंटेंस ठीक है, परफेक्ट में तो आ रहा है, लेकिन परफेक्ट में आने के साथ साथ में जब ए वीक, बिफोर ए वीक का मतलब पहले, एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले की बात है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बात यह आ जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में इसको चेंज करेंगे ना कि परफेक्ट में चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ही स्कोर्ड ए सेंचुरी ए वीक एगो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये सेंटेंस कैसा हुआ, बिल्कुल राइट हो गया। क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो बिफोर की जगह मैंने क्या लगाया, एगो को लगा दिया। एगो रेफर करता है इसको पास्ट इंडेफिनिट को, यानी एगो हमेशा ऐसा वर्ड है जो हमेशा बीते हुए टाइम को रेफर करेगा, ना कि आने वाले टाइम को रेफर करेगा। सो इसलिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बना वो आपका बना एगो, राइट। तो एगो इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ बिफोर। वीक की स्पेलिंग आपको पता चल गया, वीक एक WEAK होता है। दूसरा सेंचुरी, सेंचुरी की स्पेलिंग याद रखना शताब्दी होता है, यानी सो। स्क्वाड का मतलब होता है बनाना, तो देखो ही स्कोर्ड ए सेंचुरी ए वीक एगो, ये आपका सेंटेंस बना रहा है। ठीक है, सेंटेंस नंबर आपका सेकेंड, जी सेकेंड सेंटेंस है आपका कि माई सिस्टर हैड गॉन टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली ए मंथ एगो। माई सिस्टर हैड गॉन टू इंग्लैंड had gone to England my sister had gone to England my sister had gone to England for higher study for higher study only a month ago. So, यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट बात यह है कि माई सिस्टर हैड गॉन टू इंग्लैंड, चलो ये बात तो समझ में आ रही है कि पास्ट परफेक्ट में है, कहाँ इंग्लैंड चले गए हैं,
फॉर हायर स्टडी, उच्च शिक्षा के लिए केवल एक मंथ है, एक महीना पहले। यानी मेरी बहन जो है वो इंग्लैंड चली गई है उच्च शिक्षा के लिए केवल एक महीने पहले की बात की गई है। तो यहाँ पर बच्चे लगाएंगे क्या कि इतना से देंगे क्या? देखो फिर यहाँ पर एगो आ गया, तो एगो किसे रेफर करता है? पास्ट इंडेफिनिट को रेफर करता है। तो ये सेंटेंस आप पास्ट परफेक्ट से पास्ट इंडेफिनिट पे कन्वर्ट कर देंगे, सेंटेंस क्या हो जाएगा? माई सिस्टर हैड गोन, हैड गोन की जगह सिर्फ वेंट हो जाएगा, वेंट टू इंग्लैंड, वेंट टू इंग्लैंड फॉर हायर स्टडी ओनली ए मंथ एगो, ओनली ए मंथ एगो। मंथ एगो, तो देखो एगो आने पर ना आपका जो टेंस बनेगा वो पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा। तो यहाँ पे माय सिस्टर के साथ वेंट आ गया, हैड गॉन रेफर करता है पास्ट परफेक्ट को रेफर करता है, तो यहाँ पर वेंट इज द सेकंड फॉर्म आ जाएगी, हैड गॉन नहीं आएगा। इंग्लैंड का ई कैपिटल बनाएंगे, आपको पता है इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड, ठीक है, रसिया, अमेरिका, कनाडा, ये वो कंट्रीज हैं देश दुनिया के फॉर हायर स्टडी, मतलब जहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते हैं। ओनली ए मंथ है वो, केवल एक महीना पहले। तो मुझे उम्मीद है ये सारे आपको समझ में आ गए हैं। जी क्वेश्चन नंबर्स नेक्स्ट। शी हैज लेफ्ट द हॉस्पिटल इन 1980 एंड आई हैव नॉट सीन हर सिंस। क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, यानी She has left the hospital in 1980 and I have not seen And I have not seen her since. Next. तो देखो यहाँ पे ना सेंटेंस आपका बनेगा एक तरह से, तो देखिए यही बात है, जितना भी टाइम दिया गया होगा वो सब पास्ट डेफिनिट में आता है। क्यों आता है? क्योंकि शी हैज लेफ्ट द होटल इन 1980, उसने 1980 में वो उस चीज़ छोड़ दिया है। तो जो टाइम सन होते हैं, ईयर होता है, ठीक है, वीक होता है, तो ये सब पास्ट इंडेफिनिट को रेफर करते हैं। तो यहाँ जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है ना, वो एक तरह से क्या होता है, मिक्सचर होता है, किसका? प्रेजेंट पास्ट का मिक्सचर होता है। तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, एक तरह से पास्ट इंडेफिनिट बना देंगे, क्योंकि 1980 है और उसके बाद में सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि शी हैज की जगह ना ओनली लेफ्ट आ जाएगा, लेफ्ट। क्यों? क्योंकि लेफ्ट इज द फर्स्ट फॉर्म और लेफ्ट इज द सेकंड फॉर्म, सेम है। लीव की, सॉरी, फर्स्ट फॉर्म लीव है और सेकंड फॉर्म है इसकी सेकंड लेफ्ट, और थर्ड भी है लेफ्ट। तो शी लेफ्ट द हॉस्पिटल, in 1980 and I have not seen her since। तो देखो ये वाला सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ईयर के आने के बाद में इसको लेफ्ट में मैंने कन्वर्ट किया और ये लेफ्ट इज सेकेंड फॉर्म है। अच्छा एक बात बताइए, लेफ्ट का मीनिंग आप दूसरा भी जानते होंगे, ये एक तरह से दिशा की ओर इशारा करता है, बायां, ये एडजेक्टिव है, राइट, बायां। क्वेश्चन नंबर आपका फोर, आई फाउंड दैट रिसेंटली गॉन आउट, आई फाउंड दैट
ही रिसेंटली गोन आउट राइट, एनी कोई प्रॉब्लम नहीं. तो आई फाउंड दैट ही रिसेंटली गोन आउट का मतलब बिल्कुल गलत हो रहा है. क्यों? क्योंकि रिसेंटली आता है किसमें? परफेक्ट में आता है, ना कि इंडेफिनिट में आता है. और देखो ही के साथ गोन आ रहा है, ये तो बिल्कुल गलत है ना, रॉन्ग है ना. क्यों? क्योंकि ही के साथ गोन क्यों आएगा भैया? नहीं आएगा ना. ठीक है, तो क्या आएगा? वेंट आ जाएगा. तो आई फाउंड दैट, आई फाउंड दैट ही के बाद में, ठीक है, दैट ओके. तो ही हैड रिसेंटली गॉन आउट, ही हैड रिसेंटली गॉन आउट. इट मीन्स ये हुआ कि मैंने पाया कि ही हैड रिसेंटली गॉन आउट. तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक हुआ. यानी पहला वाला सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो दूसरा भी पास्ट इंडेफिनिट होगा. पहले शब्द तो ये है, लेकिन दूसरे शब्द ये है कि पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए. तो यहाँ पे देखो पास्ट इंडेफिनिट यानी वी की सेकेंड फॉर्म, तो अगली जो है वो वी की थर्ड फॉर्म आ रही है. तो यहाँ पे पास्ट है तो ये भी पास्ट होगा. ऐसा नहीं होगा कि ये पास्ट है तो ये प्रेजेंट होगा. मुझे उम्मीद है मेरे इस पाँचों चारों सेंटेंस आपको अच्छे समझ में आए हैं. सेंटेंस नंबर सेकेंड लास्ट, आई न्यू हर सिंस 1985. आई न्यू हर सिंस 1985. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिएगा सिंस दे रखा है. अगर यहाँ पर सिंस ना दिया गया होता तो ये सेंटेंस ठीक था, लेकिन सिंस देने के बाद में एक निश्चित टाइम बता रहा है, तो वहाँ पर मुझे परफेक्ट को यूज़ करना होगा. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या विकल्प आएगा? पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा. ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेफर करेंगे ना कि पास्ट परफेक्ट को प्रेफर करेंगे. तो यहां पर बनेगा आई हैव नोन हर सिंस 1985. ओके, आई हैव नोन हर सिंस 1985, यानी कि मैं उसे 1995 से जान चुका हूं या जान लिया है. मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे वर्ड आपको अच्छे से समझ आए हैं और यहाँ तक की सारी क्लास आपको अच्छे से समझ आई है. जी देखिए, अब आगे के लिए मैं चेक करता हूँ कि देखिए कुछ रूल नंबर आगे के लिए. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज वर्ब से पहले होता है. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा वर्ब से पहले होता है. सो हमने सीखा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज हमेशा वर्ब से पहले होता है. रूल नंबर सेकेंड, इंडेफिनिट हमेशा हैबिट को दर्शाता है. यानी कि इंडेफिनिट का एक ऐसा टेंस है जो हमेशा हैबिट को दर्शाता है. उसके बाद रूल नंबर नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है. लास्ट में होता है
रूल नंबर नेक्स्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम बराबर प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस टाइम इज इक्वल टू प्रेजेंट परफेक्ट, याद आ गया। रूल नंबर आपका नेक्स्ट बिफोर का यूज इंडेफिनिट एंड परफेक्ट में होता है, रूल नंबर नेक्स्ट विल शैल डिटर्मिनेशन को रेफर करते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट टुमारो टुमारो आने वाला कल, यस्टरडे बीता हुआ कल, ओके। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेंटेंस बहुत प्यारे लगे, बहुत अच्छे लगे हैं, और मुझे पता है कि आप इन सारी अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा है ना, तो फिर आप इसे दोबारा देख लीजिएगा, सेकेंड टाइम देख लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। मिलता हूँ मैं इसी तरह की अगली वीडियो में। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।